कि यहाँ पर भारत में गर्दन उतारने का कंपटीशन चल रहा है क्या, कि कौन किसकी गर्दन उतारे, कितना इनाम पाए। राबिया सैफी के पास पूरे प्रूफ थे, इसलिए राबिया सैफी को इस सरकार ने मरवा दिया था। तुम गुजरात जीतने गए हो, गुजरात लूटने गए हो, बीजेपी की मदद करने का, तुम बिल्किस बानो की बात नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम महिला थी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित आवाज़ में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यहां पर जो जातिगत उत्पीड़न को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ है, तो आज हमारे साथ हैं अमन रिजवी जी। तो अमन रिजवी जी, जो यहां पर मुद्दा था जातिगत उत्पीड़न को लेकर के, आप लोग यहां पर किस लिए आए हैं और क्यों आए हैं, ये सब थोड़ा सा बताइए। नहीं देखिए, अगर बात किसी भी समाज पर आएगी और बात समाज के लोगों पर, एक कही कि एक प्रतिष्ठित आदमी की गर्दन उतारने की बात करी जाएगी कि जो गर्दन उतार के लाएगा 50 लाख लेकर जाएगा। क्यों? कि यहाँ पर भारत में गर्दन उतारने का कंपटीशन चल रहा है क्या, कि कौन किसकी गर्दन उतारे, कितना इनाम पाए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप महंत हैं, मंदिर के महंत हैं, और दूसरी तरफ आप एक इंसान की गर्दन उतारने के 50 लाख दे रहे हैं। तो या तो आप ये कहिए कि आप एक आतंकवादी हैं। कोई भी इंसान इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता, कोई भी इंसान इंसान को मारने की और खासकर गर्दन उतारने की बात कर ही नहीं सकता, ये कोई आतंकवादी सोच का आदमी होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक पार्टी के MLA के लिए इस तरह बोला जाता है, पार्टी मुंह में दही चिपका कर बैठी हुई है। केजरीवाल बोलने को तैयार नहीं, उसके मंत्री बोलने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ये दलित समाज से आते हैं, इसलिए, क्योंकि मुस्लिम समाज और दलित समाज की सुनवाई आपकी डायरी में नहीं है, आपकी नीली डायरी में नहीं है। जो आप कहते हैं हम नीली डायरी वाले हैं, आप नीली डायरी वाले नहीं है केजरीवाल, आप भगवा डायरी वाले हैं, आप RSS के छोटे रिचार्ज हैं, आप मान लीजिए इस बात को। यहाँ देश के वो भाई माननीय सीट पर बैठे हुए हैं, आप उनको छोटा रिचार्ज बोलते हैं सब? नहीं, तो छोटा रिचार्ज नहीं है। आप देखिए, जब दिल्ली में आए थे, मैं दिल्ली का बेटा हूँ ये बोला था। जब यहाँ पर राबिया सैफी मर जाती है, गैंग रेप होकर मर जाती है, जो सिविल डिफेंस में सेल्फ डिफेंस में थी, 1 करोड़ का इनाम कहा था कि जो अगर कोई मरेगा तो 1 करोड़ दूंगा कंपनसेशन, पूरी कौड़ी नहीं दी, क्योंकि उसने बेनकाब करा था किस तरह लॉकडाउन में केजरीवाल और इसकी सरकार मास्क के नाम पर 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार के चलान काट रही थी। राबिया सैफी के पास पूरे प्रूफ थे, इसलिए राबिया सैफी को इस सरकार ने मरवा दिया था। वहाँ पे मुसलमान बच्ची थी। उसके बाद ये बिल्किस बानो पर बात नहीं करते। जब BJP सरकार बिल्किस बानो के कातिलों को संस्कारी बताकर छोड़ देती है, तो ये गुजरात जाते बात नहीं करते। केजरीवाल साहब मोरबी पुल की बात नहीं करते। मोरबी ब्रिज पे मरने वाले कौन थे? बिहार के लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, बंगाल के लोग थे, वो लोग थे जो धर्म से जुड़े हुए थे, जो छठ पूजा मनाने गए थे। और इनका मीडिया क्या कहता है कि नहीं भाई, इन लोगों को सोच समझ के पुल पर जाना चाहिए था। यानी मीडिया कहना चाहता था तमाम लोगों ने सामूहिक सुसाइड करी। ज्यादा लोग चले गए थे ना, 500 लोग चले जाएंगे, 600 तक नहीं। टिकट काटने वाला कौन? गुजराती जिसको ठेकेदार दिया, 17-17 रुपए वाला टिकट आपने उस दिन ब्लैक में 50-50 रुपए का बेचा। आपकी पूरे प्लान से बनते वहाँ 600 पहुंचे। आप एक बार बताइए, अगर यहाँ पर पुलिस ना हो, पुलिस मुझे आने ना दे, मेरे बाप की भी हिम्मत नहीं मुझे अंदर घुसवा दे, वहाँ पुलिस बैठी हुई है, वो हमें अंदर भेज रही है, हम अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता कि यहाँ की कैपेसिटी जंतर मंतर की क्या है। अगर यहाँ 10 हज़ार की कैपेसिटी है, 10 लाख नहीं आ सकते। अगर उस पुल की कैपेसिटी 125 थी, तो सरकार जवाब दे कि वहाँ पर 600 लोग कैसे पहुंचे, किसने पहुंचा है। तो सिर्फ 17 रुपए का टिकट उन्होंने 50 रुपए में बेचा, और इनको पता था हाय बिहारी मरते तो मर जाए। मुझे तो ये लगता है कि गुजरात सरकार ने इस जो बिहार की डबल इंजन की सरकार गिरी है, उसको मजा चखाने के लिए तमाम बिहार की जो पूजा होती है छठ पूजा, उसको टारगेट कर और प्री प्लान ये ब्रिज गिराया गया है। ये फ्रॉड ही था भाई, ये तो फ्रॉड था। आज देखिए, घर एक जो मच्छर मारने वाला बल्ला बना रहा है, उसको आपने ब्रिज का ठेका दे दिया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझसे क्या बचा, हार्ट सर्जरी कर ले, मैं कर लूंगी क्या? तो ये तमाम के तमाम गुजराती चोर हैं, जो जनता को कीड़े मकोड़े मच्छर समझ रहे हैं कि मरते हैं तो मरने दो, बिहार का मर रहा है मरने दो, उत्तर प्रदेश का मर रहा है तो मरने दो, बंगाल के मर रहा है मरने दो। हाँ, तो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की बात करोगे, शिक्षा में नहीं आता महिला का सम्मान? तुम गुजरात जीतने गए हो, गुजरात लूटने गए हो, बीजेपी की मदद करने का, तुम बिल्किस बानो की बात नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम महिला थी। तुम बहुत चालाक हो, तुम एजेंडे पे काम करते हो, क्योंकि आप देखिए गुजरात में बीजेपी धराशायी हो रही है। आप देखिए स्ट्रीम चैनल पे इस वक्त हिमाचल नहीं चल रहा, जबकि हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, क्योंकि हिमाचल में एक तरफा कांग्रेस जीत रही है, इसलिए हिमाचल नहीं चला। आप देखिए गुजरात में बीजेपी हार रही, 27 साल का शासन धराशायी हो रहा है, धपड़ धूस हो रहा है, इसलिए छोटे रिचार्ज को कहा दिल्ली में हम तुझे देख लेंगे, तू जा गुजरात बचा ले, वोट को
कर, भ्रमित कर और वहां पर जाकर हमारी मदद कर, किसी भी तरह वोट को काट, दूसरी सरकार को मतन दे। तो ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, लोगों को समझ लेना चाहिए। तो अगर ये धमकी मुसलमान ने दी होती, बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर, चाचा का बुलडोजर, चाची का बुलडोजर, सारे बुलडोजर होकर मुसलमानों की प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर देते, जो मुसलमान देते भी ना, तो यहाँ पर क्या किसी की गर्दन जिसने कलम करने की थी उस पर कोई केस हुआ? क्या पार्टी बोली? क्या पार्टी ने कोई अपना स्टैंड क्लियर करा कि नहीं राजेंद्र पाल के साथ हम खड़े हैं? कोई ट्वीट करा? क्या सरकार से सवाल करा? क्या उस आतंकवादी महेंद्र से सवाल करा कि तेरी हिम्मत कैसे की तो हमारे एमएलए की गर्दन काट के लाने की बात कर रहा है? तो ये सारे के सारे आतंकवादी सोच के मालिक हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। तमाम लोगों को, मुसलमानों को, दलितों को एक संगठित होना पड़ेगा। तो केजरीवाल बनियों का है। बनिया क्या होता है? बनिया फायदा देखता है, बनिया फायदा देखता है। अगर आप कोई राशन लेने जाते हैं तो जितना पट्टा रखते हैं, अगर सामान कम वो है ना, तो इसके पाले में जो सामान है वो ज्यादा है, क्योंकि ये स्वर्ण जाति का नेता है, ये दलितों का मुसलमानों का नहीं है। तो स्वर्ण जाति अपना को 80-80 करती रहती है, तो ये 80% का नेता बनने के चक्कर में ये सोच रहा है कि सन 2024 में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन इतना बेवकूफी वाला ख्वाब मत 24 में नहीं आओगे। जनता तो समझदार पहले भी थी, जनता झांसों में आ जाती है, जनता विकास के झांसे में आ जाती है। जैसे 14 में मोदी के झांसे में आ गई कि जॉब मिलेंगी, अब 2 करोड़ जॉब मिलेंगी, 15 लाख आएंगे, विकास होगा, सम्मान मिलेगा, किसान की आय दुगनी होगी। लेकिन अगर वही एजेंडा केजरीवाल लेकर चलेगा तो जनता दोबारा बेवकूफ नहीं बनेगी। नहीं, जो गुजरात की जनता को जो दिखा रहे हैं वो पेडिड कुछ मीडिया यूट्यूबर्स हैं जो केजरीवाल केजरीवाल दिखा रहे हैं, अदरवाइज वहां पर नहीं। कांग्रेस वहां पर मजबूत हो रही है। आप गाँवों में जाकर देखें, गाँव का टोटल वोट कांग्रेस का है। आप शहरों में क्यों जा रहे हैं? आप गाँवों में जाएं और वहां पर मीडिया को बाकायदा प्री प्लान लेकर पैसा देके भेजा है कि केजरीवाल केजरीवाल करो। बिल्कुल ऐसा ही जैसे उत्तर प्रदेश में ओवैसी वर्सेस बीजेपी चल रहा था, ऐसे ही गुजरात में बीजेपी वर्सेस केजरीवाल चलाया जा रहा है, लेकिन केजरीवाल वहां पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो तो आपकी देखे ना कि ये पूरा संविधान पे हमला है ना, आप लोगों की कटिंग है, जो लोग डिजर्व करते हैं उनकी कटिंग है, ओबीसी समाज की, एससी समाज की कटिंग है। आप देखिए कि हमारा जितनी भी जुडिशरी है, 3% लोग तमाम के तमाम जज बन के बैठे हुए, तमाम के तमाम सिस्टम पे बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट बलात्कारियों को संस्कारी कह के निकाल देता है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एक पूरा का पूरा कंपेन चलाना पड़ेगा कि समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतने ही सरकार में और पूरे समाज सिस्टम में भागीदारी मिलनी चाहिए। कागजों में मिल रहा है, कागजों में मिल रहा, कोई नहीं मिलता आरक्षण। ये फर्जी बनवा के लिए आते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट ब्राह्मण जितने भी छोड़ जाते हैं इन्हीं को मिलता है। आप ईवीसी कोट ईडब्ल्यूएस कोटे में दिल्ली में चलिए, 10% जो बच्चों को मिलता है ना, तमाम के तमाम करोड़पति के बच्चे उसमें होंडा सिटी में बैठ बैठ के जाते हैं ईडब्ल्यूएस कोटे में, वहाँ गरीबों को एडमिशन मिलता ही नहीं है। मैं तो कह रही हूँ उनको बताया जा रहा नहीं है, ये तो सारा का सारा सिस्टम को उल्टा पुल्टा कर रहा है। वहाँ भी आर्थिक रूप से खुद को कमजोर साबित कर देंगे कि भाई हमारी है ना, और दलित समाज को ओबीसी एससी एसटी समाज का ये रिजर्वेशन खत्म करने के लिए एक चाल चली गई है। अच्छा, मुस्लिम जो कम्युनिटी है क्या वो बौद्ध में भारत के साथ है? बौद्ध जो धम यात्रा करने वाले हैं उनके साथ है? नहीं, देखिए मुस्लिम कम्युनिटी इंसानियत का साथ देती है, उसको किसी धर्म से मतलब नहीं है, क्योंकि मुसलमान समाज की जो किताब है कलाम पाक वो कहता है कि दूसरे धर्मों को भी सम्मान दो, जब तुम्हें सम्मान मिलेगा। वो अपने धर्म का सम्मान खुद भी करता है और चाहता है दूसरे लोग भी सम्मान करें। वो हर मजहब का सम्मान करता है। अगर वाकई मुसलमान इतना दुश्मन होता तो मुगल तो 650 साल यहाँ पर करके गए, सर हुकूमत करके गए, सारे मंदिर सेव हैं, सब सेव हैं, क्यों नहीं हुए? यहाँ पर आप देखिए अंग्रेजों ने 200 साल सत्ता करी, क्या किसी मंदिर को मस्जिद को तोड़ा? तो ये सिर्फ ड्रामा है कि मंदिर खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, ये खतरे में। अरे जो मुसलमान अपने घर की रक्षा ना कर पाए, कभी मामा का बुलडोजर तोड़ जाए, कभी बाबा का बुलडोजर तोड़ जाए, तो मुसलमान भारत पर कब्जा करेगा, वो भारत के हिंदुत्व पर कब्जा करेगा। तो ये सारे ड्रामे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों को नाम ले लेकर डराया जाता है ताकि इनके पास वोट आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ थी एमवी रिजवी जी, जो लगातार यहाँ बौद्ध में भारत के साथ यहाँ पर यात्रा जो चलाई जाएगी उसके साथ आज मुस्लिम कम्युनिटी भी खड़ी है, एससी एसटी माइनॉरिटी वर्ग जो है पूरा इकट्ठा और एकजुट होकर जो लड़ाई लड़ रहा है आज देश के और भारत के जो लोग हैं जो हमेशा से पिछड़े वर्ग पे आते हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। तमाम लोगों ने उनकी आवाज़ें बुलंद की और आगे तक भी ये लड़ाई लेकर जाएंगे और ऐसे ही बौद्ध में भारत का जो सपना देख रहे हैं तो बौद्ध में भारत को वाकई में सच बनाकर दिखाएंगे। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।